आज मैं उस इंसान के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो, हम सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान होता ही है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चाहे हम उसकी ज़िंदगी में इतने इम्पोर्टेंट ना हो या उसके दिल के इतने करीब ना हो, पर वो हमारे दिल के बहुत करीब होता है। हम हमेशा यही चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहे, कभी उसकी ज़िंदगी में कोई दुख ना आए। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा इंसान है, आप सबके ज़िंदगी में भी एक ऐसा इंसान होगा, तो मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने एक टाइटल रखा है कि बस तुम्हारे दर्द चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारी खुशियाँ नहीं, तुम्हारा दर्द चाहिए। ज़िंदगी भर का नहीं, पल भर का एहसास चाहिए। मुझे पता है कि मैं इतना खास नहीं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, फिर भी दो लम्हों के लिए वो एहसास चाहिए। तुम रख लो अपनी सारी खुशियाँ, मुझे बस तुम्हारा गम चाहिए। आँखों में जब नमी हो, बस लबों पे मेरा ही जिक्र चाहिए। कभी तुम किसी को याद करो, तो तुम्हारे दिल में जो आने वाला एहसास हो, बस वो मेरा चाहिए। तुमने अपनी खुशियाँ जिसे देनी है तुम दे दो, मुझे तो बस तुम्हारा ज़िंदगी भर का गम चाहिए। आँखों में जो तुम्हारे आंसू आएंगे, बस कुछ वो चंद लम्हों के लिए उधार चाहिए। तुम्हारी खुशियाँ नहीं, तुम्हारा दर्द चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं, पर ख्वाबों में ही सही वो एहसास चाहिए। कभी ना कभी ख़त्म हो जाए वो रात नहीं, हाथ में थामे हाथ जिंदगी भर के लिए वो शाम चाहिए। तुम्हारी खुशियाँ नहीं, बस दर्द चाहिए।